हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माय सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैग ओपेरॉन विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग लैग ओपेरॉन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो क्वेश्चन ओपेरॉन से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेरॉन। तो लैग ओपेरॉन को किसने खोजा था? इसको खोजने वाले साइंटिस्ट है जैकब एंड मोनेट ने इसको खोजा था। ओके, तो ओपेरॉन जो भी होते हैं, ठीक है, तो ये जो लैग रिप्रेजेंट कर रहा है, लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लैक्टोज को रिप्रेजेंट करता है, ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, इसलिए इसको लैक ओपेरॉन बोलते हैं ये। ओके, इसी तरह से ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, इसी तरह से ढेर सारे अमीनो एसिड के लिए ढेर सारे ओपेरॉन होते हैं। ओके, तो लैक ओपेरॉन है, तो ये ओपेरॉन जो टोटल ओपेरॉन होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो ओपेरॉन एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। जो लैक ओपेरॉन है हमारा, ये लैक ओपेरॉन ये इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन होता है। तो इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब कि ये ओपेरॉन ऑलवेज जीन ऑलवेज क्या इनएक्टिव रहेगा। इसको क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आता है तो एक्टिव करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन को जब जीन इनएक्टिव होती है और इसको एक्टिव करनी पड़ती है कंडीशन के आधार पर, ऐसी कंडीशन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। इसमें इंड्यूसर जाएगा तो जीन को एक्टिव करेगा। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन में क्या होता है? जीन क्लोज रहेगी, इंड्यूसर क्लोज All time close रहेगी, इंड्यूसर जब जा करके अटैच होगा तो क्या करेगा? ये एक्टिव करेगा। ऐसे कंडीशन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप आता क्या आता है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन आता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्या होता है कि वो जीन ऑलवेज एक्टिव रहेगी, उसको इनएक्टिव करना पड़ता है। तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, हम लोगों के सिलेबस में क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन एक टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है कि जीन ऑलवेज क्लोज रहेगा, ऑल टाइम फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब इंड्यूसर आएगा इंड्यूसर के प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, इस आधार पर ये क्वेश्चन नीट में आता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें टोटल जीन कितने होती हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि एक जीन आई, ओके, आई फॉर ये वन रेगुलेटरी जीन एंड जेड वाई ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल, थ्री जेड वाई ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये। ओके, तो एक रेगुलेटरी जीन, थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। अदर क्या होता है? इसमें प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन भी होता है। तो लैक ओपेरॉन में आई जीन, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन एंड जेड वाई ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इतनी चीजें हो गई। ओके, तो आई जीन, आई फॉर इंड्यूजर से रिलेटेड है, इनहिबिटर से रिलेटेड नहीं है। आई फॉर इंड्यूजर, तो आई जीन किसको कोड करेगा? ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, क्योंकि जीन है तो जीन क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। ओके, एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाएगा। कौन से प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करती है। कौन? रिप्रेसर एमआरएनए। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड अप करती है? बहुत इंपॉर्टेंट कि रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी? जा करके ये ऑपरेटर रीजन से, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में जीन आई एक्टिव रहेगा, वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, और रिप्रेसर प्रोटीन जब ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड करके आगे की प्रक्रिया को इनहिबिट कर देती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? निगेटिव ओपेरॉन बोला जाता है। तो लैक ओपेरॉन कितने टाइप ओपेरॉन है? एक निगेटिव ओपेरॉन है, दूसरा इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन। ओके, तो जब ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा तो जेड वाई को इनएक्टिवेट कर देगा, तो जेड वाई इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो आधे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो लैक ओपेरॉन या जीन स्टॉप का हो जाती है। ओके, तो ये इंड्यूसिबल टाइप हो गई। ओके,
ये क्या हुआ कि इंड्यूस पर मतलब कि ये जीन जब काम नहीं करते, जब इसको नॉर्मल कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट रहता है, तो लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो आई जीन किसको कोड करेगी, रिप्रेसर आरएनए कोड करेगी, एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि इंड्यूजर लैक्टोज होता है, ये क्या है लैक्टोज, लैक्टोज नहीं है तो हमें जीन के काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो जीन अदर से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर देगी, जब ये जीन काम नहीं करेंगे तो अदर प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस स्टॉप रहेगी और उपरान हमारा जीन स्टॉप रहेगा, ओके, नॉर्मल कंडीशन जब लैक्टोज नहीं है। लेकिन अब लैक्टोज आ गया, ओके, अब लैक्टोज ये प्रेजेंट है, अब जीन को क्या है, जीन को एक्टिव करना चाहिए, जीन एक्टिव होगी तो कब एक्टिव होगी, जब आई जीन क्या करेगी, रिप्रेसर एमआरएनए बनाती है, नॉर्मल हमेशा बनाती है रिप्रेसर एमआरएनए, अब आई जीन एमआरएनए से क्या बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गए, रिप्रेसर प्रोटीन बन गए, अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी तो स्टॉप हो जाएगी, बट लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसको ये जीन को एक्टिव होने की जरूरत है, तो क्या करता है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ये लैक्टोज से बाइंड अप कर जाता है, जब ये लैक्टोज से बाइंड अप कर जाएगा तो ऑपरेटर रीजन फ्री हो जाएगा, अब आगे नेक्स्ट जेड वाई ये जीन एक्टिव हो जाएगी, मीन्स स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव हो जाएगी, जब स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव हो जाएगी तो क्या फॉर्म करेगी, ये स्ट्रक्चरल एक्टिव होने के बाद लैक एमआरएनए बनाएगी, लैक एमआरएनए बन गई, जेड वाई ये स्मॉल में है, ये लैक एमआरएनए बनाई, अब लैक एमआरएनए बनी, लैक एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो जेड जीन क्या कोड करवाती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा जेड जीन किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, ये ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा किसको, लैक्टोज को ब्रेक करता है, ये डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड में ब्रेक करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके, वाई जीन किसको कोड करती है, परमीएज को कोड करेगी, परमीएज क्या करती है, परमीएज करती है ये लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, ये इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, ये परमिएज का काम है। अब नेक्स्ट आता है ए जीन, ए जीन किसको कोड करेगा, ए जीन कोड करता है ये ट्रांस एसिटाइलेज को, ए जीन एमआरएनए के थ्रू ट्रांस एसिटाइलेज कोड करवाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस नेम से है, पकड़ो इसको, ट्रांस मींस क्या, ट्रांसफर, ट्रांसफर एसिटाइलेज मींस क्या, एसिटिल ग्रुप, ओके, एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर किसको करता है, एसिटिल ग्रुप को करता है, एसिटिल ग्रुप टू किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज टू बीटा गैलेक्टोसिडेज को एसिटिल ग्रुप में को ट्रांसफर कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है, परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, ये पता है, बट ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन आप लोगों को नहीं पता है, ट्रांस एसिटाइलेज मतलब ट्रांसफर करेगा एसिटिल ग्रुप को किसमें, बीटा गैलेक्टोसिडेज को ट्रांसफर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट यही क्वेश्चन आएगा ना होगा, क्योंकि ये आप लोगों को पता नहीं है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के आप में जो भी चीजें दी हुई है उसके आस पास से क्वेश्चन उठाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं, आई जीन किसको कोड करेगा, आई जीन कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन कोड करता है, आई जीन ये रहा रिप्रेसर प्रोटीन कोड करेगा, ओके, जेड जीन किसको कोड करता था, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करता है, ए जीन किसको कोड करता है, ए जीन ट्रांस एस्टाइलेज को कोड करता था, ये ए जीन ट्रांस एस्टाइलेज को कोड किया इसने, ओके, एंड वाई जीन किसको, परमिएज को कोड करके परमिएबिलिटी को बढ़ा देता था लैक्टोज की सेल के लिए, ओके, क्लियर, नेक्स्ट, और आप लोग ओपेरान को अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान देना, बस है बहुत सिंपल कि कब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो क्लियर, तो लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर्स बाइंड करेगी और ये स्टॉप हो जाएगा, ओके,
क्लियर। लेकिन लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग याद कर लो, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, डिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा, तो उसके बाद ये आगे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएंगे और सारी चीजें प्रक्रिया हो जाएंगी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहेगा तो। ओके क्वेश्चन दो, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, वो कौन सा प्यूरिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो ओके तो हम लोग प्यूरिन पिरिमिडिन डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए या आरएनए, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो कह रहा है कि इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आरएनए को दोनों फॉर्मेशन करता है, कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर के डीएनए आरएनए दोनों बनाता है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड दो चीजों का बना होगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब न्यूक्लियोसाइड किसका बना होगा, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर का बनता है न्यूक्लियोसाइड। ओके तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच कौन सा बांड होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट का बांड होता है फास्फोडाईएस्टर बांड। ओके ये एस्टर बांड होता है या फास्फोएस्टर बांड, फास्फोरस जुड़ा एस्टर जुड़ा तो फास्फोएस्टर बांड हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच में। ओके अब ये नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर इसके बीच कौन सा बांड होता है, नाइट्रोजन बेसिस एन शुगर ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक बांड, एन ग्लाइकोसिडिक बांड नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच हो जाता है। ओके अब पेंटोज शुगर कौन कौन से होते हैं, पेंटोज शुगर राइबोज इन आरएनए डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए दो हो जाते हैं ये, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए होगा, राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाएगा। ओके शुगर हो गया। अब नाइट्रोज बेसिस जो कि क्वेश्चन कह रहा है तो हम लोग नाइट्रोज बेसिस को डिस्कस करेंगे, तो नाइट्रोज बेसिस दो होते हैं, फर्स्ट प्यूरिन सेकेंड पिरिमिडिन होता है, तो प्यूरिन में दो रिंग डुअल रिंग के होते हैं, प्यूरिन ये रहता है ये, इनका ये हो जाता है ये, ठीक है ये डुअल रिंग के हो जाते हैं प्यूरिन, पिरिमिडिन सिंगल रिंग का हो जाता है, बेंजीन रिंग इनकी सिंगल पाए जाते हैं तो प्यूरिन डुअल रिंग का हो जाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्यूरिनेट 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके और पिरिमिडिन नाइट्रोजन कहाँ पाया जाएगा, एक सिंगल रिंग होती है नाइट्रोजन एट 1 और 3 दो पोजीशन पर नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको याद रखना है कि किसमें डुअल रिंग है किसमें सिंगल रिंग है, प्यूरिन में डबल रिंग पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है। ओके अब ये जो प्यूरिन होते हैं दो होते हैं, एडनिन एंड ग्वानिन, तो प्यूरिन एडनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन, ये तीन के तीनों ये पिरिमिडिन होते हैं। ओके तो ध्यान दीजिएगा, एडनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन ये प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में एडेनिन ग्वानिन दोनों पाए जाते हैं और साइटोसिन भी पाया जाएगा। ओके बट यूरेसिल केवल आरएनए के लिए है, थायमिन केवल डीएनए में पाया जाएगा, आपको याद रखना है कि यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाएगा, थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, तो एडनिन ग्वानिन साइटोसिन तीनों पाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या करा है कि प्यूरिन जो कि दोनों में पाया जाता हो, प्यूरिन एडनिन ग्वानिन ये प्यूरिन है ये, ओके ये दो के दोनों में पाया जाता है, डीएनए आरएनए दोनों में पाया गया। ओके तो प्यूरिन दोनों में पाया जाने वाला, एडनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन दोनों में पाया जाने वाला, केवल साइटोसिन दोनों पाया जाएगा, पिरिमिडिन होते। ओके तो क्वेश्चन है कि प्यूरिन दोनों कौन सा पाया जाएगा, एडनिन साइटोसिन, साइटोसिन तो पिरिमिडिन हो गया, ये ऑप्शन कट जाएगा, एडनिन तो पाया जाएगा दोनों में, थायमिन क्या है, थायमिन पिरिमिडिन है ये प्यूरिन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा और ये केवल डीएनए पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। ओके थायमिन एडनिन एंड ग्वानिन यस ये पाए जाएंगे, बोथ आर प्यूरिन होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, एडनिन ग्वानिन दोनों पाए जाएंगे, डीएनए में पाए जाएंगे। ओके तो डीएनए आरएनए दोनों पाए जाएंगे, कौन से, प्यूरिन एडनिन ग्वानिन दोनों पाए जाएंगे। ओके तो ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन दोनों पाया जाएगा एंड साइटोसिन ये प्यूरिन है ये पिरिमिडिन है, दो को दोनों डीएनए आरएनए दोनों पाए जाएंगे, बट दिस इज पिरिमिडिन एंड दिस इज प्यूरिन,
प्यूरीन, तो ये तो है बट ये प्यूरीन नहीं, इसलिए ये गलत जगह हो जाएगा। साइटोसिन दोनों में पाया जाता है बट साइटोसिन पाइरिमिडीन होने की वजह से क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा, इसलिए गलत होगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज एडेनिन एंड ग्वानिन हो जाएगा, जो कि प्यूरीन है दोनों पाया जाएगा। तो आप लोग ये जो डायग्राम मैंने आप लोग को बना कर रखा हुआ है, वेरी सिंपल और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, आप लोग अच्छे से इसको बना करके याद कर लो। ओके नेक्स्ट, अंडर विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। किस कंडीशन में mRNA के रीडिंग में, किसके रीडिंग में चेंजिंग नहीं होगी? ओके आपको पता है कि जो जेनेटिक कोड रीड किया जाता है डीएनए में जो बेसिस रीड किए जाते हैं जेनेटिक कोडॉन, वो ट्रिपलेट रीडिंग होती है हमेशा। ओके ये हमेशा ट्रिपलेट की रीडिंग होती है। अगर कोई एक बंदा डिलीट हो जाएगा, मान लेते हैं अगर ये डिलीट हो गया, तो ये क्या रीडिंग होगी? ये रीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसका मीन चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगी, ये डिलीट हो गया ये चेंज हो जाएगी। ओके लेकिन अगर ये हमने दो के दोनों डिलीट कर दिया, तब फिर से क्या हो जाएगी? ये रीडिंग आ जाएगी, फिर से चेंज हो गई। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट, अगर हमने मान लिया कि ए यू यू तीन के तीनों हमने डिलीट कर दिया, अब रीडिंग क्या हो जाएगी? दोबारा से रीडिंग हमारी फिर से ये आ जाएगी, फिर से आ गई जी सी यू, मतलब यू सी जी दोबारा से रीडिंग हो जाएगी। तो रीडिंग जब तीन डिलीट हुए एक साथ में, तो रीडिंग क्या हुई? पहले जैसी दोबारा से रीडिंग हो गई। मीन्स जेनेटिक कोड को रीडिंग नहीं चेंज करने के लिए, रीडिंग नो चेंजिंग होने के लिए, नो चेंजिंग के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है, मिनिमम थ्री बेसेस डिलीट होने चाहिए जिससे रीडिंग ना चेंज हो। ये कॉन्सेप्ट है इसके रीडिंग ना चेंज होने का। अरे एक केवल सिंगल चेंज हुआ, सिंगल डिलीट किया तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। आप तीन बीच से निकाल दो, किनारे से निकाल दो, कहीं से भी केवल तीन आपने चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, ऐड कर दिया, तो रीडिंग विल बी नॉट चेंज होगी। ओके क्लियर? तो इनका यही कहना है कि क्या किया जाए कि हमारे रीडिंग में चेंज हो, तीन डिलीट कर दो। डिलीशन ऑफ जी सी यू मीन्स जी सी यू, ओके, एट सेवेंथ एट नाइन्थ पोजिशन। ओके तो जी सी यू सेवेंथ एट नाइन्थ पोजिशन पर ये कहां गया? ये जी सी यू 79 पोजीशन पर तीन को डिलीट किया जाएगा तो चेंज नहीं होगा। यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि तीन को डिलीट किया जा रहा है, पोजीशन से नहीं मतलब है। तीन डिलीट कर देंगे, आगे की रीडिंग वही रह जाएगी। ओके तो इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन, अगर किसी एक को इंसर्ट करेंगे, तीन चार पांच, एक यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे एक इंसर्ट कर देंगे, तो रीडिंग फिर से चेंज हो जाएगी। ओके चेंज हो जाएगी, या केवल एक को डिलीट कर दिया जाए, इसको डिलीट कर दिया तब भी रीडिंग चेंज हो जाएगी। इंसर्शन ऑफ ए एट जी फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पर, ए और जी मतलब कि ए को और जी को दो चीजों को ऐड किया जा रहा है, चार और पांच पोजीशन पर, मींस यहां पर और यहां पर ऐड किया जाए, दो को ऐड करेंगे तब भी रीडिंग चेंज हो जाएगी, या दो को डिलीट करेंगे तब भी रीडिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन तीन को ऐड करो या तीन को डिलीट करो, रीडिंग मैंने बताया कि कैसे रीडिंग चेंज नहीं होगी। क्लियर? सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केवल ये होगा डिलीशन ऑफ जी सी यू फ्रॉम सेवेंथ एट नाइन्थ पोजिशन, क्योंकि अगर इसको, अगर ये था तब भी क्या था, ये तीन ये थे, तीन ये थे, तीन ये थे और तीन ये थे। ओके अगर इसको डिलीट कर दिया तब भी रीडिंग ए यू यू अब भी रह जाएगी, इसके पहले की भी रीडिंग वही रह जाएगी। अगर अगर इसको यहाँ पर तीन ऐड कर देंगे तब भी ये यही रीडिंग रह जाएगा। ओके तीन ऐड करो या तीन डिलीट करो, रीडिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन तीन से कम पर रीडिंग चेंज हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग डिफर्स टू, ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से लिया गया है। ओके इसका कहना है कि ईएसटी का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना किसको, जीन को, जीन को कैसे प्रेस करते हैं, एमआरएनए के रूप में।
जीन एमआरएनए के रूप में ही अपनी एक्सप्रेशन करता है, फिर प्रोटीन को में एक्सप्रेस कर देगा। तो जीन को पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट है, उसको एमआरएनए के रूप में सारे जीन्स को फार्म कर दो, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो सारे जीन को एमआरएनए के रूप में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? ईएसटी कहलाता है। ओके, तो ईएसटी मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेस्ड हैज mRNA, याद रखिएगा tRNA या rRNA नहीं, mRNA के रूप में। ओके, तो यही एस टी कहलाता है। जब अभी mRNA बन गया, प्रोटीन बना लेंगे, तो आसानी से पता चल जाएगा जीन क्या काम करना चाहती है, इसी को XEST बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नोवल DNA सीक्वेंस, नो, जीन एक्सप्रेस एज RNA नोन एज ईएसटी, यस दिस इज करेक्ट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, नो। ओके, DNA पॉलीमरेफिजन, नो। mRNA के रूप में एक्सप्रेस करने को ईएसटी बोलते हैं। ओके, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि वो कौन जेनेटिक कोड का वो कौन सा फीचर है जो बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है। बैक्टीरिया में भी ह्यूमन प्रोटीन बन रही है, मीन्स कि जो जेनेटिक कोड होगा वो ह्यूमन में भी काम कर रहा है, बैक्टीरिया में भी काम कर रहा है। तो ये क्या बताता है कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है? नियरली यूनिवर्सल होती है, सब में एक जेनेटिक कोड यही फार्म करेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, वो जेनेटिक कोड सब में एक ही चीज फार्म करता है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कंडीशन। तो ये क्या बताता है? जेनेटिक कोड की यूनिवर्सलिटी को बताता है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज फार्म करेंगे, ये यूनिवर्सल बताता है। ओके, तो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, नहीं स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं, ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी है, बट इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि इस वजह से ये होता है। ओके, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगस, अनएम्बिगस एंड नॉट एम्बिगस, ये भी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, कोई वो नहीं है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यस ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ये बताता है कि ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया में फार्म होती है, अलाउ होती है, ये नियरली यूनिवर्सल को बताता है। क्लियर, सब में एक जैसा एक्सप्रेशन होगा, यही यूनिवर्सल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डीएनए। करेक्ट, डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? ये ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन कहता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ऑलवेज किस पर होगा, किस स्टेशन पर होगा? जिस स्टेशन की पोलैरिटी 3-5 होगी उसी पर होता है ऑलवेज। ट्रांसक्रिप्शन भी 5-3 डायरेक्शन में होगा ये। ओके, 5-3 डायरेक्शन में होगा, मतलब टेम्पलेट क्या होना चाहिए? 3-5 पोलर होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्टैंड, यस एक टेम्पलेट स्टैंड है। तो डीएनए का एक टेम्पलेट स्टैंड, एक कोडिंग स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड होगा, इसी पर क्या होगा? इसी पर ट्रांसक्रिप्शन होता है टेम्पलेट स्टैंड पर। तो जो टेम्पलेट स्टैंड है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कौन होती है? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्टैंड होती है, टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्टैंड हो जाती है। ओके, तो टेम्पलेट स्टैंड है ये, कोडिंग स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। तो जो टेम्पलेट से एमआरएनए बनता है तो वो भी टेम्पलेट का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, तो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्टैंड। ओके, ये कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए ये दो के दोनों का क्या होगा? सिक्वेंस भी सेम होगा, दोनों का सिक्वेंस 5-3 होगा, ये कोडिंग का हो गया, एंड 5-3 ये एमआरएनए का भी हो जाता है। ओके, तो दो के दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होगा इसमें टी पाया जाएगा और इसमें यू पाया जाता है। अंतर दोनों में क्या होगा? केवल इतना कि कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए में अंतर क्या होगा? टी और यू का अंतर होता है बस। थायमिन डीएनए में पाया जाएगा, यूरेसिल एमआरएनए में पाया जाता है, बस यही अंतर है। बाकी आप कोडिंग स्टैंड देखकर आप डायरेक्ट एमआरएनए बना सकते हो, मीन्स कोडिंग स्टैंड है इसका एमआरएनए बनाना है तो क्या करोगे? डायरेक्टली बस जहां जहां टी है वहां वहां क्या कर दो? यू कर दो, बस आपका क्या तैयार हो जाएगा? ये हो गया
एमआरएनए बन जाएगा। इसी को बेसिस बनाकर नीट ने क्वेश्चन दिया था इसको। ओके तो ये कोडिंग स्टैंड का, ये अब देखो TDS, इसका सेम सीक्वेंस फाइव डैश कहां पर है, फाइव डैश ये रहा। ओके फाइव डैश के बगल टी के स्थान पर यू आ गया। ए सेम है, सी सेम है, ओके जी ये भी सेम है। टी के स्थान पर देखो, टी के स्थान पर क्या आ गया, टी के स्थान पर यू आ गया। ओके नेक्स्ट ए सेम है, सी सेम है, जी सेम है, फिर दोबारा टी के स्थान पर यू आ गया। ओके टी के स्थान पर यहाँ पर यू है। नेक्स्ट ए का ए, सी का सी, जी का जी, टी का यू, टी का फिर से यू आ गया, टी के स्थान पर यू हो गया। देन ए का ए हो गया, सी का सी हो गया। तो ये क्या है, मैं बताना चाहता हूं इतना कि कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए बिल्कुल इनका सीक्वेंस सेम होता है, केवल अंतर क्या होगा, अंतर टी के स्थान पर यू हो जाता है एमआरएनए में, बस और कोई अंतर नहीं होता दो के दोनों। इसी की बेसिस बनाकर नीट ने क्वेश्चन बनाया था। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। कोडिंग स्टैंड इज इक्वल टू एमआरएनए, अंतर क्या होगा, टी के स्थान पर यू हो जाएगा एमआरएनए में बस केवल। ओके क्लियर। सो आंसर बी हो जाएगा कि टेम्पलेट स्टैंड दिया, टेम्पलेट स्टैंड का क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए बन जाएगा। टेम्पलेट स्टैंड के जस्ट आप बना दो, कोडिंग स्टैंड बनाओ और टी के स्थान पर यू कर दो, हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विथ देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। आरएनए पॉलीमरेज उनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। ओके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फर्स्ट किसको कोड करेगा, आरआरएनए कोड करता है। आरआरएनए कौन सा, 18, 28, 58 एस आर आर एन ए को कोड करेगा, 18, 28, 58 एस आर आर एन ए को कोड करता है। ओके एंड सेकेंड एन के बाद एम आता है, मीन्स सेकेंड में एन आया ना, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, एच एन आर एन ए एंड एम आर एन ए को कोड करता है ये। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आता है थर्ड, थर्ड फॉर टी, टी फॉर थर्ड है ना, टी एच आई आर डी, आप टी से याद रखो, थर्ड किसको कोड करता है ये, टी, टी फॉर थर्ड, टी फॉर टी आर एन ए, टी आर एन ए कोड करेगा। ओके एंड फाइव एस आर आर एन ए एंड एस एन आर एन ए को कोड करता है, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए कोड करेगा, फाइव एस आर आर एन ए कोड करता है टी आर एन ए। ओके थर्ड वाला कोड करेगा, क्लियर। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्रैंकलिन स्टॉल क्वाइंड द टर्म लिंकेज, नो ये स्टॉल एंड मेसेंसल एंड स्टॉल, मेसेंसल एंड स्टॉल ने क्या दिया था, ये इन्होंने दिया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। इन्होंने किस पर वर्क किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किया था इन्होंने, मेसेंसल एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किया था। ओके और सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए इन्होंने बताया था। ओके एंड लिंकेज, लिंकेज टर्म बाय, लिंकेज टर्म किसने दिया था, ये इसको दिया था टी एच मॉर्गन ने दिया था, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। पुनेट स्क्वायर, ये पुनेट का स्क्वायर जो पुनेट साइंटिस्ट थे, ठीक है, जीनोटाइप फाइंड किया था, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप फाइंडिंग के लिए डेवलप किया था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये सही है, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके ऑप्शन सी स्प्लीसियोसोम, ये स्प्लीसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, नो स्प्लीसियोसोम, स्प्लीट किससे रिलेटेड है, ये स्प्लिटिंग ऑफ जीन से रिलेटेड है ये, ठीक है। ओके स्प्लिटिंग ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को कट करके निकाल देने को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ओके ये वहां से रिलेटेड है स्प्लिसियोसोम, ये इंट्रॉन को कट करके निकालता है, ये यूकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, और ये ट्रांसलेशन नहीं करता है बल्कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, टेक पार्ट इन स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन। ओके सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन, नहीं एल्टमैन ने नहीं डिस्कवर किया था, ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था
जिंडर एंड लैडर बर्ग ने ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एक ट्रांसडक्शन से रिलेटेड है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसने खोजा था, ग्रिफिथ ने खोजा था ट्रांसफॉर्मेशन को, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, निमोकोकस बैक्टीरिया को इन्होंने यूज किया था। ओके, एक आता है कांजुगेशन, कांजुगेशन को किसने खोजा था, कांजुगेशन को खोजने वाले जिंडरबर्ग, जिंडर लैडरबर्ग ट्रांसडक्शन खोजे, बट लैडरबर्ग एंड टैटम ने इसको खोजा था, कांजुगेशन लैडरबर्ग एंड टैटम ने खोजा था, कांजुगेशन को खोजा था ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ ने खोजा था ट्रांसडक्शन, जिंडर एंड लैडरबर्ग ने खोजा था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुनेट स्क्वायर, पुनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन बैक्टीरिया, फंगस नो, प्लांट नो, वायरस नो, बैक्टीरिया में प्रूफ किया गया था, कौन सा बैक्टीरिया, इसके राइकिया कोलाई बैक्टीरिया में प्रूफ किया गया था, किसने प्रूफ किया था, प्रूफ किया था ये मेसलसन एंड स्टॉल ने 1958 में किया था, और क्या यूज किया था, यूज किया था इन्होंने N15H4Cl एंड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड यूज किया था, ये हैवी आइसोटोप था, रेडियोएक्टिव नहीं था N15। ओके, तो इस पर क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन जो बन सकता है कि जब इन्होंने हाइब्रिडाइज किया N15 मीडियम में डीएनए को ग्रो किया तो ये हैवी डीएनए बन गया, N15 लिया हुआ ये डीएनए हैवी डीएनए बन गया, दिस इज हैवी डीएनए, N15 दोनों स्टैंड में N15 है तो ये हैवी डीएनए बन गया। अब इसको 20 मिनट बाद इकोलाई डिवाइड कर गया, इकोलाई जब डिवाइड करेगा तो दो डीएनए बन गए, तो दो के दोनों डीएनए हैवी हुए। ओके, क्योंकि प्रत्येक डीएनए में एक एक N15 गया हुआ है, ये तो ये हैवी डीएनए बन गया, तो ये हैवी डीएनए मींस हाइब्रिड, एक N14 डीएनए एक N15 स्टैंड, तो दोनों में गया तो ये कौन सा हो गया, ये हाइब्रिड स्टैंड हो गया, हैवी और नॉर्मल दोनों डीएनए पाए गए थे, हाइब्रिड स्टैंड हो गया फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट आफ्टर 40 मिनट बाद ये दोनों डीएनए फिर से दो दो डीएनए बना दिए तो टोटल 4 डीएनए हो गया, लेकिन दो डीएनए ऑलवेज, क्योंकि दो हैवी स्टैंड है तो दो डीएनए ऑलवेज क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, और दो डीएनए क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो गए, कोई कितना भी डीएनए बनेगा दो डीएनए ऑलवेज हाइब्रिड हो जाएंगे। ओके, क्लियर, तो नेक्स्ट जनरेशन में दो डीएनए नॉर्मल वेट के बन गए, दो हाइब्रिड के बन गए। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने हाइब्रिड डीएनए हैं, कितने हैवी स्ट्रैंड है, कितने नॉर्मल स्ट्रैंड है, इनका रेशियो, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने मिनट देगा, जैसे कि 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन क्या देता है कि ये 80 मिनट बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड नंबर ऑफ नॉर्मल डीएनए क्या हो जाएगा। ओके, तो आप डिवाइड कर दो, 80/20 क्या आएगा, 4 टाइम्स आया, 2^4 कर दो तो 2 × 4 × 8 × 16 टोटल 16 डीएनए बन जाएगा। ओके, टोटल 2^4 = 16 डीएनए बन जाएगा। ओके, तो 16 डीएनए में क्या होगा कि ऑलवेज कितना भी डीएनए बनेगा, 2 डीएनए ऑलवेज हाइब्रिड हो जाएगा, तो 2 डीएनए हाइब्रिड हो जाएंगे एंड 14 डीएनए नॉर्मल हो जाएंगे, तो 14 डीएनए नॉर्मल हो गए। देखो क्या पूछेगा, हाइब्रिड एंड नॉर्मल का, तो 1:7 ये रेशियो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, बोलेगा कि स्ट्रैंड बताइए, स्ट्रैंड नॉर्मल और हाइब्रिड का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल और हाइब्रिड का स्ट्रैंड, तो ये 14 डीएनए क्या होगा, 28 स्ट्रैंड, 14 डीएनए में एक डीएनए में दो स्ट्रैंड, तो 14 डीएनए में 28 स्ट्रैंड बन गए। अब दो डीएनए ये रहे हाइब्रिड के, तो हाइब्रिड वाले में क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रैंड बनेंगे दो डीएनए से, लेकिन
ये क्या होंगे, दो हैवी एंड टू नॉर्मल स्टैंड हो जाएंगे। तो 28 स्टैंड नॉर्मल डीएनएस आया, दो स्टैंड आया किससे, हाइब्रिड वाले से, तो टोटल 30 स्टैंड हो गया क्या नॉर्मल एंड हैवी स्टैंड दो। ओके हैवी स्टैंड कितना आया, दो आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:30 इज इक्वल टू 1:15 का रेशियो हो जाएगा किसका, ये हैवी एंड नॉर्मल स्टैंड का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अराइज हो सकता है ये। ओके क्लियर, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा क्या क्या। क्लियर, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट बैच। एलेक जोफरी ने क्या दिया था, एलेक जोफरी ने दिया था, खोजा था किसको, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डिस्कवर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस पे बस वर्क नहीं किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। हर्से एंड चेज, अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज, इन्होंने टीएमवी पर वर्क किया था, नो टीएमवी पर नहीं वर्क किया था, किस पर किया था, बैक्टीरियो फेज पर वर्क किया था। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको बैक्टीरियो फेज बोला जाता है, इनको इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो फेज बोलते हैं। तो इन्होंने वर्क किया था, और क्या यूज किया था, फास्फोरस एंड सल्फर यूज किया था। ओके फास्फोरस 32 सल्फर 35 इन्होंने यूज किया था, दो के दोनों क्या थे, रेडियो एक्टिव थे, दो के दोनों रेडियो एक्टिव थे, दो के दोनों। ओके एंड सो ये भी रंग हो जाएगा। मैथ्यू मिचेलसन एंड स्टॉल्स, मिचेलसन एंड स्टॉल इन्होंने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए दिया था, वर्क किस पर किया था, ई कोलाई पर वर्क किया था, और क्या यूज किया था, NH4 बेन 15 H4 Cl एंड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड यूज किया था। ओके जैकब एंड मोनेट लाइकोप्रेन, यस जैकब एंड मोनेट ने लाइकोप्रेन को डिस्कवर किया था, मैं बता चुका हूँ। ओके क्लियर, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, यस राइबोजाइम, राइबोजाइम ये न्यूक्लिक एसिड होता है ये, ठीक, न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज एंजाइम नोन एज राइबोजाइम बोलते हैं। ओके एफ टू रिसेसिव पेरेंट डायहाइब्रिड क्रॉस, एफ टू प्लस रिसेसिव पेरेंट डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं कहलाता है ये, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ओके टीएच मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन खोजा था, ट्रांसडक्शन नहीं खोजा था, टीएच मॉर्गन ने ये लिंकेज खोजा था, ठीक है, ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लेडरबर्ग ने खोजा था। ग्रेगर जैन मेंडल इन्होंने क्या, फादर जेनेटिक्स बोला जाता है, इन्होंने पी प्लांट पर वर्क किया था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं खोजा था, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ्स ने खोजा था। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइबोजाइम इज न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विथ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। तो सिंगल एमआरएनए पर मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज। तो ढेर सारे राइबोसोम एमआरएनए पर बाइंड अप होते हैं तो ढेर सारा पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोला जाता है, ऐसी कंडीशन को पॉलीसोम बोला जाता है। अदर ऑप्शन में पॉलीहेड्रल बॉडीज को क्या बोलते हैं, आल्सो कार्बोक्सी सोम बोला जाता है। ये किसमें हेल्प करता है, CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया में। ओके ओके नेक्स्ट प्लास्टिडोम, अदर ऑप्शन प्लास्टिडोम है, प्लास्टिडोम मीन्स के सेल के अंदर जितने भी प्लास्टिड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोम कलेक्टिवली बोला जाता है। न्यूक्लियोसोम ये डीएनए के कॉम्पैक्शन में हेल्प करता है ये, ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि ये 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ऑक्टामर इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। ओके नेक्स्ट सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलीसोम हो जाएगा, मेनी राइबोसोम एमआरएनए ढेर सारा प्रोटीन बनाएगा ये पॉलीसोम कहलाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
ए जी जी टी ए टी सी जी सी ए टी इज अ सीक्वेंस फ्रॉम दी कोडिंग स्टैंड। सीक्वेंस कहाँ से आया? ये कोडिंग स्टैंड से ये सीक्वेंस लिया गया है। ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस कोडिंग स्टैंड का है कि टेम्पलेट स्टैंड का है, आपको ध्यान देना है। अफजीन व्हाट विल बी करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ दी ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। तो यहाँ पर कंडीशन याद रखना कि कहाँ का है ये सीक्वेंस, कोडिंग स्टैंड का है। मैंने बताया था कि अगर कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस होगा तो जो जो सीक्वेंस होगा सेम सीक्वेंस एमआरएनए का हो जाता है, अंतर क्या होगा, टी के स्थान पर यू हो जाएगा। इसका एमआरएनए बनाओगे कोडिंग स्टैंड सेम रख दो, सेम रखोगे तो ए हो जाएगा जी जी टी के स्थान पर यू, ए का ए जाएगा टी के स्थान पर यू हो जाएगा, सी जी सी ए यू इसका सेम रखो, जो कोडिंग स्टैंड है सेम रख दो, बस टी के स्थान पर यू कर दो, बस यही अंतर हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं होता है कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए में। ओके, ये रहा टी, एक यहाँ पर आ गया, एक टी ये आ गया, बस कुछ नहीं करना। अब आप मैचिंग करा सकते हो, ए कहाँ पर है, ये ए जी जी यू ए यू सी जी सी ए यू, यस ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट, सब के सब ओपेरॉन के पार्ट है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है ये। ओके, दिस इज ओपेरॉन, ओपेरॉन का ओपेरॉन, ये जीन है ओपेरॉन का, ओपेरॉन में क्या क्या है, ये आई जीन है। ओके, प्रमोटर रीजन, ओके दिस इज प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर एंड जेड वाई ये क्या है, स्ट्रक्चर है, बट इनहेंसर नहीं है, सो ये इनहेंसर नहीं होगा। तो कौन सा पार्ट ऑपेरॉन का नहीं होगा, ये इनहेंसर नहीं होगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ, तो अनइक्विवोकल या फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है किसने दिया था, ये हर्सन चेज ने दिया था, किस पर वर्क किया था, वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज पर वर्क किया था इन्होंने, हर्सन चेज ने। ओके, तो ये एवरी मैक्लियाड एंड मैकॉर्टी ने इन्होंने किस पर वर्क किया था, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। ओके, हार्विन खुराना ने आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्क किया था। ओके, तो हर्सन चेज का एक्सपेरिमेंट ये रहा, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज को एक बार फास्फोरस 32 में ग्रो कराया, एक बार सल्फर 35 में ग्रो कराया। तो सल्फर कहाँ पाया जाता है, ये प्रोटीन में पाया जाता है, ये फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लिक एसिड फार्म करता है, न्यूक्लियस में सल्फर नहीं पाया जाता है। तो जब वो फास्फोरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस ग्रो करेगा तो उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब वो सल्फर में ग्रो करेगा तो प्रोटीन फार्म करेगा, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, इसकी खोल रेडियो एक्टिव हो जाएगी। तो इन्होंने देखा जब इन्फेक्शन कराया इस बैक्टीरियोफेज को, जब इस बैक्टीरिया पर अटैक किया तो रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, इन्फेक्शन हुआ, जब इसको सेंट्रीफ्यूज करके अलग किया गया तो ये सेल और बैक्टीरिया अलग हो गए। तो बैक्टीरिया हमारा अब क्या मिलता है, ये रेडियो एक्टिव मिलता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए जा चुका है ये, तो इसलिए ये क्या हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ये। ओके, जबकि सल्फर में जब ग्रो कराया बैक्टीरियोफेज को तो उसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, जब इसको ग्रो किया किसमें, बैक्टीरिया पर, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हुआ, ब्लडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, और जब अलग किया गया तो इसका खोल जो था बैक्टीरियो वायरस का ये रेडियोएक्टिव था, बट बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल गया वो रेडियोएक्टिव नहीं था। मीन्स क्या फाइनल हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए वो कहाँ जाता है, वही अंदर जाता है बैक्टीरिया के अंतर्गत, मींस वही जेनेटिक मटेरियल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, डीएनए ही है वो। ठीक है, तो हर्सन चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया। कुछ नंबर 16, इफ देयर आर 999 बेसेस इन एन आरएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन, जो कि 999 नाइट्रोजन बेसेस आरएनए में ये प्रोटीन को कोड करते थे और क्या बनाते थे, एक जेनेटिक कोड, मींस थ्री जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो 999 बेस किसको कोड करेगा,
ये 333 अमीनो एसिड को कोट किया, ओके, तो तीन बेसेस मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोट करते हैं, तो 999 बेसेस 333 अमीनो एसिड को कोट करते हैं, एंड द बेसेस ऑफ पोजीशन 901, मींस अगर हम आरएनए लेते हैं, ओके, तो यहां से टोटल 999 टोटल ये एन बेसेस थे, ओके, तो ये टोटल कितना प्रोटीन फॉर्म करते थे, ये प्रोटीन 333 अमीनो एसिड कोट करते थे, 333 अमीनो एसिड कोट करते थे। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एन बेस से ये 900 एन बेस तक कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन 900 पर इन्होंने क्या किया, एक बेस को ये डिलीट कर दिए, ओके, 901वां जो था, 901वां बेस जो था उसको डिलीट कर दिया। तब 2 से 3 4 कंटिन्यू कहाँ हो गया, आप 99 तक हो गया, लेकिन कोडिंग क्या थी, कोडिंग ये होती है कि जो कोड पढ़ा जाता है वो ट्रिपलेट 1 2 3 पर पढ़ा जाता है ये, ओके, ट्रिपलेट पढ़ा जाता है ये, ओके, तो अगर ये एक बेस हमने ये डिलीट कर दिया यहाँ पर इसको, ये टोटल 99 बेस है, लेकिन एक बेस क्या हुआ, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, जो पहले रीड किया जाता था, पहले यहां से यहां तक 3 का 1 रीड किया जाता था, अब क्या हो जाएगा, अब ये यहां से ये रीड किया जाएगा, फाइनली रीड करते करते फाइनली जब पहुंचेगा तो एक क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, 99 ना होकर 98 तक ही क्लियर हो पाएगा पूरा मैटर। तो इफेक्टेड कितना हुआ, चेंजिंग तो 900 अमीनो एसिड तक, 900 बेस तक तो नॉर्मल पड़ी जाएगी, चेंजिंग कहां पर हुई है, 901वे पर चेंजिंग हुई है, तो अब जो अमीनो एसिड चेंजिंग होगी वो कितना अमीनो एसिड चेंज होगा, टोटल जब 99 नाइट्रोजन बेसेस थे तो 33 अमीनो एसिड बनता, तो जब यहाँ डिलीट हो जाएगा तो ये 33 अमीनो एसिड तो इफेक्टेड होंगे, 900 ये 300 अमीनो एसिड थोड़ी ना इफेक्टेड होंगे, ये राय एक सही रहेंगे, बट ये जो 33 99 बेसिस है जब इनमें इफेक्टेड होगा तो यही 33 अमीनो एसिड जो बनने वाला होगा यही इफेक्टेड होगा, 900 सेफ रहेंगे, ओके, 900 बेस सेफ है तो 300 अमीनो एसिड सेफ रहेंगे, केवल कितने इफेक्टेड होंगे, ये 33 इफेक्टेड होंगे, 300 सेफ रहेंगे अमीनो एसिड, ओके, सो क्या करा है कि हाउ मेनी कोडोन विल बी एल्टर्ड, एक कोडोन कितने का, 3 इन बेस का बनता है, तो टोटल 33 कोडोन बनेंगे, ओके, एक कोड एक अमीनो एसिड, 33 कोड 33 अमीनो एसिड, तो टोटल 33 कोडोन इफेक्टेड हो जाएंगे, 300 कोडोन करेक्ट रहेंगे, 33 कोडोन 33 अमीनो एसिड फॉर्म करेगा, तो यही 33 ही इफेक्टेड होंगे, समझ में आ गई इस चीज को, मेरा कहने मतलब क्या है, ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 33 कोडोन इफेक्टेड हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि 98 ये नाइट्रोजन बेसिस अल्टर्ड हो जाएंगे, ओके, सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलांगेट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट यूज्ड टू इलांगेट किसको करता है, ये डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क है, तो डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होगा, 5-2 3 डायरेक्शन ऑलवेज होगा, तो स्टैंड क्या है, 3-2 5 स्टैंड, एक 5-2 3 स्टैंड, दो डीएनए की स्टैंड है, तो 3-2 5 स्टैंड क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टैंड में क्या होगा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस होंगे, और क्या सिंगल आरएनए प्राइमर, सिंगल आरएनए प्राइमर होगा, ओके, और क्या होगा, ये टूवर्ड फॉर्क है, कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स फॉर्क हो जाएंगे, एंड को कहीं जोड़ना है क्या, जोड़ना नहीं है, जब जोड़ना नहीं है तो नो डीएनए लाइगेज, इसमें डीएनए लाइगेज की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस स्टैंड है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड है, क्यों, क्योंकि सिंथेसिस 5-3 डायरेक्शन मल्टीपल स्थान पर हो रही है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा कि इसमें एक स्टैंड को और ये जो कॉन्टिन्यूअस थी इसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, तो 3-5 लीडिंग स्टैंड, 5-3 लैगिंग स्टैंड बोलते हैं,
मल्टीपल फ्रेगमेंट है ये, तो यहाँ पर ढेर सारे आरएनए प्राइमर जरूरत पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल आरएनए प्राइमर हो जाएंगे, मल्टीपल आरएनए प्राइमर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, और क्या होंगे, इनके फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, अवे द फॉर्क है, ये फॉर्क इधर खुल रहा है बट ये बाहर की ओर संधिस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, अवेदी फार्क हो जाएंगे, अवेदी फार्क हो जाएंगे लाइक इंस्टेंट। ओके, डिसकंटिन्यूअस ढेर सारे हैं तो डबल जी है, डबल जी मतलब ढेर सारे, तो लैगिंग इंस्टेंट हो जाएंगे। जब ढेर सारे हैं तो इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए होता है, इसमें डीएनए लाइगेज चाहिए इसको लिए। ओके क्लियर, इतनी चीजें हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यूज टू इलांगेट लैगिंग स्टैंड, सही है, टूवर्ड रिप्लिकेशन फॉर्क नहीं, टूवर्ड नहीं है, अवे है, सो रॉन्ग हो जाएगा, टूवर्ड नहीं अवे हो जाएगा। लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड को जाके फ्रेगमेंट नहीं है, लैगिंग होता है, ठीक है, अवे द रिप्लिकेशन फॉर्क सही है बट ये लैगिंग होगा तब से होता, द लैगिंग स्टैंड करेक्ट है, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क ये भी सही है, सो दिस इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। लीडिंग स्टैंड नो, टूवर्ड नो, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन पार्क, दिस इज लैगिंग, लैगिंग एंड अवे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबाउंडेंट इन एनिमल सेल्स, आरएनए जो कि मोस्ट अबाउंडेंट एनिमल सेल्स में पाया जाता है कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज ऑफ आरएनए इन द सेल सबसे ज्यादा आरआरएनए होता है, देन टीआरएनए, देन एमआरएनए, एमआरएनए सबसे कम पाया जाएगा, आरआरएनए सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो एनिमल सेल में मोस्ट अबाउंडेंट आर आर एन ए हो जाएगा, टी आर एन ए नो, एम आर एन ए नो, एम आई नो, आर आर एन ए हो जाएगा। ओके, आंसर डी आर आर एन ए, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सबसे ज्यादा है, आर आर एन ए 80%, टी आर एन ए 10-15%, एम आर एन ए 5% हो जाएगा। ओके, साइज ऑफ आर एन ए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन साइज ऑफ आर एन ए पर बनेगा, आर आर एन ए लार्जेस्ट होता है, टी आर एन ए स्मॉलेस्ट हो जाता है, ये एम आर एन ए इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। आपको ये दो के दोनों आपको याद रखने हैं, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, कौन कम, कौन सा ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर आर एन ए मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लीसियोसोम्स नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, स्प्लीसियोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, किसमें हेल्प करेगी, ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है, ये ठीक है, हेल्प इन स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन भी एब्सेंट इन, ओके, इंट्रॉन एब्सेंट होता है तो स्प्लीसियोसोम का कोई काम नहीं है, सो बैक्टीरिया में स्प्लीसियोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये कहां पाया जाएगा, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बैक्टीरिया में स्प्लीसियोसोम नहीं पाया जाएगा, फंगस एनिमल्स प्लांट में पाया जाएगा, ये यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में इंट्रॉन एब्सेंट होता है, सो स्प्लीसियोसोम का कोई आवश्यकता नहीं है, सो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट, तो H1 जो प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियोसोम से अटैच होकर क्या करती है, इसका तो डीएनए रिप्लिकेशन इज अकरिंग, तो H1 का क्या काम होता है कि न्यूक्लियोसोम को बाइंड बना करके रखता है, ये डायग्राम क्या है, ये न्यूक्लियोसोम का है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट, H1 न्यूक्लियोसोम से एसोसिएट होकर होता है तो क्या बताता है, इसका कहने मतलब है ये, ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियोसोम को देख लेते हैं, कि दिस इज डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होगा, डीएनए का 200 बेस पेयर लंबा डीएनए होगा और H1 का एक मॉलिक्यूल होता है। ओके, हिस्टोन ऑक्टामर में होता क्या है, H2A, H2B, H3 एंड H4 होता है, H4 होगा हिस्टोन ऑक्टामर में, बट H1 नहीं होता है हिस्टोन ऑक्टामर में, H1 नहीं होता है, H1 क्या करता है, डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर से
क्या करता है, लिंक करके रखता है, जोड़ करके रखता है। तो ये किसमें हेल्प किया, पूरा का पूरा क्रोमैटिन के कंडेंसेशन में हेल्प करता है ये। ओके, तो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा, नहीं। डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, यस ये करेक्ट है कि डीएनए को क्रोमैटिन फाइबर में कंडेंस कर रखता है। डीएनए डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड, कोई मतलब नहीं इसका, कोई एक्सपोजर नहीं होता डीएनए के डबल हेलिक्स है। ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ट्रांसक्रिप्शन से भी कोरिलेशन नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली डीएनए कंडेंस इनटू क्रोमैटिन फाइबर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रिप्लिकेशन ऑन। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए अगर पूछेगा प्लांट में, तो टेलर एंड कलिक्स ने दिया था, क्या यूज किया था, विक्सिया फोबाबीन यूज किया था। और क्या यूज किया था, विक्सिया फोबाबीन प्लांट यूज किया था, प्लांट में टेलर एंड कलिक्स है, जबकि इकोलाई ये बैक्टीरिया में मेसेंथेल एंड स्टॉल ने है। ओके, तो टेलर एंड कलिक्स ने क्या यूज किया था, विक्सिया फोबाबीन यूज किया था, और क्या रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया था विक्सिया फोबाबीन के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, विक्सिया रोजिया ड्रोसोफिला इकोलाई, नो, तो ये विक्सिया फोबा यूज किया था। ओके, इकोलाई किसने यूज किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने यूज किया था। ओके, तो टेलर एंड कलिक्स ने विक्सिया फोबा यूज किया और रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज म्यूटॉन्ट, म्यूटॉन्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन हेल्प करता है ये। ओपेरॉन, ये ओपेरॉन क्या करता है, ओपेरॉन मॉडल होता है जो कि बैक्टीरिया में होता है। ओके, तो ये ओपेरॉन में जुड़ वाई ये स्ट्रक्चरल जीन हो जाती है ये। ओके, जो कि इसमें आई जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ओपेरॉन वहां से रिलेटेड है। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन इक्वल टू जीन होता है सिस्ट्रॉन, और ये सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो स्ट्रक्चरल जीन की तरह सिस्ट्रॉन हो जाएगा। रिकॉन किसकी यूनिट होती है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन में रिकॉन हो जाता है, म्यूटेशन में म्यूटॉन, ओपेरॉन ओपेरॉन मॉडल में हो जाएगा, बट सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन की तरह काम करती है और एमआरएनए सिंथेसिस फॉर्मेशन करवाएगी और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करवाएगी। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। आरएनए की भी तरह कार्य करे और एंजाइम की तरह भी काम करे बैक्टीरिया में। 5S आरआरएनए, नो, 23 SRRNA, 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 23 SRRN
नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे मस्ट फुलफिल, उसके क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ट्रेट गिवन बिलो, जो नीचे ट्रेट दिए हुए कौन कौन सा क्राइटेरिया होते हैं सारे, एक्सेप्ट कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, किसको छोड़कर सारे क्राइटेरिया, इसका कहने मतलब ये है, ओके। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ मींस जेनेटिक मटेरियल, क्या क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दी फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यस मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए, पहला क्राइटेरिया किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए पहला क्राइटेरिया। दूसरा शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका मींस रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डीएनए आरएनए में दोनों प्रॉपर्टी होती है तो दोनों जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन में प्रॉपर्टी नहीं होती इसलिए नहीं है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, रॉन्ग है, ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए जिससे कि ज्यादा म्यूटेशन को ना करे ये, ओके। तो ये स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली केमिकली, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ओके। शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यस स्लो चेंजेस की मींस म्यूटेशन के चांसेस स्लोली होने चाहिए, स्लो चेंजेस होने चाहिए जिससे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहे इसमें, ओके। तो स्लो चेंजेस की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा कि जो कि रॉन्ग है इसका। बाकी तीन क्राइटेरिया है, ये तीनों क्राइटेरिया आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज
कैटालाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन का ऑलवेज क्या होगा 5-3, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन दोनों 5-3 डायरेक्शन में होंगे। मीन्स कौन सा स्टैंड होना चाहिए, वो स्टैंड कौन सा होगा डीएनए का 3-5 स्टैंड होगा। 3-5 स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं या नॉन कोडिंग स्टैंड बोला जाता है, इसी पर रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, तो ऐसी स्टैंड जिस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। ओके, कोडिंग स्टैंड ये 5-3 जो 5-3 होगी डीएनए की उसको कोडिंग स्टैंड बोलेंगे, जो कि कुछ भी कोड नहीं करती है। ओके, अल्फा स्टैंड कोई वो नहीं, एंटी स्टैंड या कोडिंग स्टैंड कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडान, जो स्टार्ट कोडान होता है, तो जेनेटिक कोड में 3 स्टार्ट कोडान 1 स्टार्ट कोडान होते हैं। तो स्टार्ट कोडान जो होता है AUG होता है, ओके, UAG, UGA, AUG, यस दिस इज स्टार्ट कोडान। ओके, स्टार्ट कोडान, जबकि ये तीनों स्टॉप कोडान हो जाते हैं, तीन के तीनों स्टॉप कोडान है ये। ओके, स्टॉप कोडान याद करने का तरीका क्या है, उआ उगा उग, ये मैंने इसको बनाया हुआ है कि ऐसे याद करने के तरीके आप लोग जैसे भी याद कर सको, उआ उगा उग, ठीक है, ये तो याद करना है। बट इसका नेम जो है ओकरे ओपल अंबर, ओकल ओपर अंबर, यूएए यूजीए यूएजी, ठीक है, ओकरे ओपल अंबर या ओ ए याद कर सकते हो इसको, ओकरे ओपल अंबर इनका दूसरा नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या बोला जाता है ये। ओके, और जेनेटिक कोड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है जेनेटिक कोड में, ये दिस इज ट्रिपल यू किसको कोड करेगा, फेनिल एनिलीन को कोड करता है ये, एंड ट्रिपल सी प्रोलीन को कोड करेगा, एंड ट्रिपल ए लाइसिन को कोड करता है, ट्रिपल जी ग्लाइसिन को कोड करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कोडॉन में पूरा डब्बा नहीं याद करना है आपको, ये चारों तो याद करने ही करने हैं, ये मस्ट याद करना आपको, चारों याद करने हैं। उसके अलावा ये यूएए स्टॉप कोडॉन, यूएजी स्टॉप कोडॉन एंड यूजीए स्टॉप कोडॉन, ये तीनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट AUG act as a start codon, ये start codon की तरह काम करेगा और मेथियोन इनको कोड करता है, ये आपको याद करना है ये। और कोई भी start codon कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इतनी चीजें यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, which are the following required as a inducer फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन, इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंड्यूसर लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज या एलो लैक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज या गैलेक्टोज नहीं, ग्लूकोज नो गैलेक्टोज नो, तो लैकोपेरॉन के लिए केवल लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम अटैच ऑन आरएनए इज पॉलीसोम बोला जाता है। ढेर सारा राइबोसोम कहाँ पर अटैच हो जाएगा, आरएनए पर अटैच होता है, पॉलीसोम बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज होकर के प्रोटीन फॉर्म करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। होकर जाके फ्रेगमेंट क्या होता है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड पर पाया जाता है, मल्टीपल कॉपी ऑफ मल्टीपल सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्मेशन होते हैं, इसको होकर जाके फ्रेगमेंट बोलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए के लिए, कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, यस करेक्ट है, आरएनए में भी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, कौन सा, साइटोसिन यूरेसिल एडनिन ग्वानिन, ये आरएनए में पाया जाता है। ओके, थायमिन नहीं पाया जाता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस हुआ आरएनए में, करेक्ट है। चारगाफ रूल फॉलो होता, नो चारगाफ रूल फॉलो नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है चार कार्बन, वनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। पूछा कौन सा रॉन्ग है ये। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है आरएनए में, यस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है। फाइव फास्फोरिल थ्री हाइड्रोक्सिल इंड होता है, यस फाइव फास्फोरिल थ्री हाइड्रोक्सिल इंड भी पाया जाएगा, बट चार कार्बन फॉलो नहीं करता है। सो आंसर इज चार कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, बल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ, बल्बियानी रिंग कहाँ पाई जाती है, ये पाली टीन क्रोमोसोम में पाई जाएंगी। इसमें ये जॉइंट क्रोमोसोम होता है, ये जॉइंट क्रोमोसोम होंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम, बड़े बड़े क्रोमोसोम होंगे, इसमें छोटे छोटे पफ निकलते हैं ये, ओके, ये सेंटर पर जगह जगह पफ निकलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बल्बियानी रिंग या पफ बोला जाता है, इसको पफ बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस, नो, ठीक है, यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है बल्बियानी रिंग्स में, ओके, लिपिड सिंथेसिस नो, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नो, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं करेगी, लिपिड सिंथेसिस कोई रिलेशन नहीं है, पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस कोई रिलेशन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसलिए ये बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ओके। तो ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर काफी लंबा है, इसमें टोटल 65 टू 70 क्वेश्चंस हैं पिछले 10 सालों में, ओके, तो काफी लंबा लेक्चर हो जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 31 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, प्लीज फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, ओके, एंड कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एमसीक्यू पार्ट 2।